अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आयान ताहिर। कैसे हैं मेरे प्यार प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आफियत बनाए रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्टीम चिकन रोस्ट मेरे अंदाज़ में, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप शादी ब्याह में खाते हैं और मज़े उड़ाते हैं। खा कर देखें, बना कर देखें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए जी शुरू करते हैं। मैंने चार पीस लिए हैं चिकन के, और यानी कि एक चिकन के आप चार हिस्से करवा लें तो उसमें मैंने कट लगा लिए हैं इस तरह से, ना बहुत गहरे लगाने हैं और ना ही बहुत ऊपर ऊपर से लगा कर फारिग हो जाना है। अब मैं एक ग्लास पानी लूँगी और इसके अंदर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं चिकन की डुबकियाँ लगवा रही हूँ। ये देखें, अच्छे से आपने चिकन को बिल्कुल इसके अंदर डिप करके निकाल लेना है बाहर। बहुत अच्छे से ये फूड कलर आप लगाएंगे तो इसका रंग बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, इस तरह से हमने लगा लिया है तमाम अपने पीसेस पे कलर को। अब मैं स्पाइसेस लूँगी। चाट मसाला 1 टेबलस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट मैंने लिया है 2 टेस्ट, यानी कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। टर्मेरिक पाउडर 1/2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून और रेड चिल्ली पाउडर भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अब इन तमाम मसालों को मैं बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। आप स्पाइसेस ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने दही लिया है 1 कप, ये नॉर्मल दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही ना हो वरना उसकी चिकन में स्मेल आती है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, इसे भी हम अपने इन मसालों में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब चिकन के पीसेस पे मसाले को बहुत अच्छे से लगा लेना है। बेहतर है कि आप हाथ की मदद से लगाएं मसालों को। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से आप जितना अच्छा अंदर तक मसाला लगाएंगे, आपकी चिकन का टेस्ट उतना ही मज़ेदार, चटपटा और जूसी सा आएगा। जी जनाब, इस तरह से आप चारों पीसेस पे लगा लेंगे मसाले को। बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगाना है आपने इसको। देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, ये फूड कलर की वजह से भी ज़बरदस्त सा कलर आता है। जो हमारा मसाला बचा है हमने उसे ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसे चिकन के ऊपर इस तरह से ऊपर डालकर फ्रीज़र में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी। आप ज़्यादा या कम टाइमिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर पपीता पाउडर डालते हैं तो आप बस मैरिनेट करें और इस तरह से चिकन पे लगाएं और फौरन से फ्राई बना लें इसको। अब मैं इसके अंदर एक सीक्रेट और बहुत ज़बरदस्त सा मसाला ले रही हूँ, जिसके लिए मैंने कलौंजी लिए 1 टेबलस्पून और सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने 1 टेबलस्पून। राई दाना मैं लूँगी 1 टेबलस्पून इसके अंदर, और ये मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च ली है 1 टेबलस्पून। ये मसाले मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि मैंने इन्हें डालना कहाँ पर है, जिसका बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल बाहर की तरह का स्टीम रोस्ट की शक्ल आएगी इसको डालने से। ये देखें जी, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने फ्रीज़र से अपनी चिकन को निकाल लिया है और अब हम इसे शेलो फ्राई करेंगे। मैंने 2 से 3 चम्मच पैन के अंदर ऑयल डालना है। हमने ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हमारी जो दही है और चिकन है ये ऑलरेडी ऑयल निकालेंगी, निकलेगा इनका, तो उससे जनाब हमें बहुत ज़्यादा इसको ऑयली नहीं बनाना है। ये देखें, इस तरह से मैंने पैन में चिकन को सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर जाएगा हमारा ये ज़बरदस्त सा मसाला। इस तरह से आपने इसको स्प्रिंकल करना है। जी जनाब, देखें कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और अभी इसके बाद मैं आपको एक और सीक्रेट इस रेसिपी का बताऊंगी, जो आप देखिएगा उससे भी इसका कलर कितना ज़बरदस्त आएगा। ये लिया है मैंने सोया सॉस 1 टेबल चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। ये देखें, आप चाहे तो इसको मैरिनेशन में डाल सकते हैं, मगर मुझे ये इस स्टेज पे डालना ज़्यादा बेहतर लगता है। वेनेगर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, इसको भी मैंने ऊपर से डाल दिया है इसके, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर भी इसके अंदर रच बस जाएगा। अब मैं इसे ढककर रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। आधा घंटा हो गया है, ये देखें हमारी चिकन ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। चिकन और दही का ये पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने स्लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखना है। अब मैं तमाम पीसीस को पलट लूँगी इस तरह से। देखें बहुत ज़्यादा हमारी चिकन गली नहीं है कि ये टूटना शुरू हो जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तकरीबन ये नीचे से गल चुकी थी, अब मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। अब मैं दोबारा इसे ढक के रखूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर।
20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और अब हम अपने पीसेस को दोबारा से देख लेंगे। हल्का फुल्का हम इन्हें ड्रन करेंगे और मज़ीद 20 मिनट के लिए मैं इसका पानी खुश्क होने तक, या आप जब तक पानी खुश्क ना हो तब तक अब हम इसको भूनेंगे। ये देखें इस तरह से हमारा पानी खुश्क होता जा रहा है। स्टीम चिकन में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होता है ना ही पानी होता है। ये देखें जी तकरीबन हमारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम अपनी स्टीम चिकन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी हमने डिश आउट कर लिया है और जो हमारे वो मसाले थे तिल रायदाना और कलौंजी का, थोड़ा सा हम दोबारा से इसको स्प्रिंकल कर लेंगे। इन्हें मैं सर्व करूँगी ज़ीरा राइस के साथ। ज़ीरा राइस की रेसिपी भी पहले चैनल पर मौजूद है। ये देखें जी ये देखें अब हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखें चिकन इतनी जल्दी टूटने के लिए तैयार नहीं हो रही। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जूसी और स्पाइसी हमारी स्टीम चिकन तैयार हो चुकी है। आप प्लीज़ इसे ट्राई करें, ट्राई करना शर्त है। ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। ये बिल्कुल जो बाहर से आप खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।